अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले और हमारा टॉपिक है आज मियोसिस 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ मियोसिस 1 को देखा था, ठीक है। मियोसिस 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें सबसे पहले प्रोफेज 1 था, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस भी थी और हमारे पास सिंगल सेल से 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, ठीक है। अब इन 2 डॉटर सेल्स ने क्या करना है, ये जो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए थे इन्होंने एक पीरियड के अंदर दोबारा से एंटर होना है जो कि एक रेस्ट का पीरियड है, यानी कि इंटरफेस के में इसने दोबारा से एंटर होना है। इंटरफेस में क्यों होना है, ताकि दोबारा से सेल्स जो है वो प्रिपेयर करें खुद को कि वो डिवीजन इन्होंने आगे फर्दर करनी है। तो ये जो पीरियड होता है रेस्ट वाला, इसको हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं या फिर इंटरफेस 2 कहते हैं, क्योंकि अब दोबारा से नई मियोसिस स्टार्ट होने वाली है, इसलिए इसको हम लोगों ने मियोसिस 2 कह दिया। तो इंटरफेस भी ये 2 होगा, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस 2 होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंटरफेस से जो हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस 1 में देखा था ना, क्योंकि उन दोनों का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम था, वैसे ही होता है सारा कुछ। तीनों फेजेस होते थे, G1S और G2 फेजेस होते थे उन दोनों माइटोसिस और मियोसिस 1 के इंटरफेसेस में, ठीक है। लेकिन ये जो मियोसिस 2 होती है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंटरफेस के जो माइटोसिस और मियोसिस 1 की नस्बत। वो किस तरह से डिफरेंट होता है कि इसके अंदर जो एस फेज होता है ना वो नहीं होता, और एस फेज आपको पता है कि जिसके अंदर क्या होती है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो इस वाले फेज में इंटरफेस 2 में क्या होता है कि डुप्लीकेशन क्रोमोसोम्स की नहीं होती। वो इसलिए क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। अगर दोबारा से हम डुप्लीकेशन कर देंगे तो दोबारा से डबल नंबर क्रोमोसोम्स का हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो है वो एस फेज नहीं होता, ठीक है। अब आज हम लोग जो है वो मियोसिस 2 स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 2 में क्या होना होता है, असल में ये सेकेंड फेज होता है मियोसिस का, जो कि सिमिलर होता है माइटोसिस से, ठीक है। यानी कि मियोसिस 1 में हम लोगों ने देखा था कि उसका प्रोफेज डिफरेंट था, बाकी सारे फेजेस ऑलमोस्ट सेम थे, वैसे ही सारा कुछ होता था। लेकिन इसके जो हमारे पास मियोसिस 1 था उसके अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती थी, ठीक है, जो कि माइटोसिस में नहीं होती। अब ये जो सेकेंड फेज है मियोसिस का, जिसे मियोसिस 2 कह रहे हैं, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती जिस तरह से माइटोसिस के अंदर नहीं होती। इसी वजह से ये जो फेज होता है मियोसिस का ये सिमिलर होता है टू द माइटोसिस, क्योंकि ये सिमिलर होता है उनसे, इसीलिए जो इसके सारे फेजेस हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और मुझे ज़्यादा आज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग माइटोसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं फुल डिटेल के साथ। सारी हम लोगों ने जो है वो कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने सारे स्टडी किए थे, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ी थी। अब आज सिर्फ कहने के ओवरव्यू ही है माइटोसिस का भी एक तरह से, क्योंकि माइटोसिस भी सेम लाइक दैट ऑफ द मियोसिस 2 है, ठीक है। अब फ़र्क क्या है माइटोसिस और मियोसिस में, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था कि सिंगल सेल होता है और 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होने होते हैं। अब मियोसिस 2 में क्या होना है कि ऑलरेडी हमारे पास मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए हुए हैं, ठीक है, वो हैप्लॉइड हमारे पास 2 डॉटर सेल्स तो आ गए हुए हैं। अब इन 2 डॉटर सेल्स ने आगे जो है वो डिवीजन करनी है, तो यानी कि हमारे पास इसमें एक तरह से पेरेंट सेल्स जो है वो कितने हैं, 2 हैं। सिर्फ माइटोसिस में कितने थे, 1 था, ठीक है, ये फ़र्क है। अब प्रोफेज 2 में क्या होना है, सिमिलर जो है वो होता है माइटोसिस की प्रोफेज जैसा। इसमें हमारे पास प्रोफेज 1 की नस्बत कम टाइम लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेज 1 में क्या होती है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन मियोसिस 2 में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुकी हुई है, ठीक है, तो दोबारा से क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी इधर। अब प्रोफेज 2 में क्या होने के, सबसे पहले आपको आइडिया है अब इस बारे में कि न्यूक्लियर लाए है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वो डिसअपीयर हो जाएंगे, क्रोमेटिन क्या होगी, दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। जब क्रोमेटिन कंडेंस होगी तो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बना देंगे। क्रोमोसोम्स बनाने के बाद क्या होंगे कि सेंट्रियोल्स, जो हमें पता है कि सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन ऑलरेडी एस फेज में हो चुकी है, उन्होंने क्या करना है, सेल के ऑपोजिट पोल्स में चला जाना और उसके बाद स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करनी है।
अब मेटाफेज टू में क्या होने के क्रोमोसोम्स क्या होंगे, काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच करेंगे, जो हमारे पास ये सेंट्रियोल से हमारे पास जो निकलेंगे ना, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स जो निकलेंगे वो क्या करेंगे, वो बोले स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटिक कोर के साथ जाके बाइंड कर देंगे और हमारे पास इक्वेटर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स दोबारा से अरेंज हो जाएंगे। अभी मैं आपको एंड में डायग्राम्स बताऊंगी ना, समझाऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एनाफेज टू में क्या होना है कि सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा। सेंट्रोमियर जब टूट जाएगा तो क्या होगा कि क्रोमोसोम्स पुल होंगे टूवर्ड्स द सेंट्रोसोम। जब सेंट्रोसोम की तरफ हमारे पास ये क्रोमोसोम्स पुल होंगे तो क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जब वो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे तो इनको अब हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे। टेलोफेज टू में क्या होना है कि दोबारा से अनकॉइलिंग हो जानी है क्रोमोसोम्स की, दोबारा से क्रोमेटिन बन जाना है, ठीक है। दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप हमारे पास रीफॉर्म हो जाएगा, क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि फोर डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। हाइड्रा के अंदर हमारे पास क्या होगा, हैप्लॉइड सेट होगा क्रोमोसोम्स का। ये क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन ये आपको पता है ना, ये साइटोकाइनेसिस में होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होनी है, साइटोप्लाज्म की क्लीवेज होनी होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म हमारे पास डिवाइड होना होता है, ठीक है। तो क्लीवेज हमारे पास एनिमल सेल्स में होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन प्लांट सेल्स में होनी होती है। तो हमारे पास पेरेंट सेल में थे दो डॉटर सेल्स, ऑलरेडी डॉटर सेल्स है ना, क्योंकि मियोसिस वन में दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। अब इन डॉटर सेल्स ने क्या करना होता है, फर्दर डिवीजन होगी और हमारे पास फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देंगे। मियोसिस में मेन डिफरेंस यही आता है कि इसमें हमारे पास कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, फोर, और माइटोसिस में कितने होते हैं, टू। दूसरा डिफरेंस इसमें ये आता है कि माइटोसिस में हमारे पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं। डिप्लॉइड सेल्स यानी कि क्या मतलब, यानी कि जितने पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं ना 46, डॉटर सेल्स में भी 46 आएंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होने है कि हमारे पास पेरेंट सेल डिप्लॉइड था, 46 क्रोमोसोम्स वाला था, लेकिन जो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे फोर डॉटर सेल्स, वो हमारे पास उनके अंदर हैप्लॉइड होंगे। वो कैसे कि उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स आएंगे हर एक सेल के अंदर, ठीक है। दूसरा मेन डिफरेंस ये था। तीसरा डिफरेंस इसमें ये आता है कि माइटोसिस में क्या होता है कि एक ही फेज चलना होता है, जिसे माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस में हमारे पास दो फेजेस चलते हैं, सबसे पहले मियोसिस वन होती है, फिर मियोसिस टू होती है। चौथा डिफरेंस इसमें ये आता है कि माइटोसिस में जो प्रोफेज वन प्रोफेज होता है, उसमें वन टू हो तो होता ही नहीं है, प्रोफेज होता है उसके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, लेकिन जो मियोसिस का प्रोफेज वन होता है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जिससे, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार डिफरेंसेस भी बता दिए, अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, तो आपने ये लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डायग्राम्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है कि प्रोफेज है, प्रोफेज टू, हमारे पास ऑलरेडी दो डॉटर सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है, ठीक है। यानी कि क्रोमेटिन क्या होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम्स बनाएगा जिसके अंदर ये क्या क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रोसोम्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी, दोनों सेल्स में यही काम होगा। फिर आएगी मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, ये क्या करेंगे, एक प्लेट प्लेन बना लेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन बना देंगे। सिमिलरली इस सेल में भी क्या होगा, इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा। दरमियान में आगे क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, एनाफेज टू आएगा। एनाफेज टू भी क्या होना है कि ये इनके जो सेंट्रोमेयर है और ये हमारे पास है सेंट्रोसोम, ये क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे स्पिंडल फाइबर्स को। जब पुल करेंगे तो हमारे पास ये क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए हैं, ठीक है। सिमिलरली इस सेल पे भी ऐसे ही होगा। फिर होगा टेलोफेज टू। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये दो है, ये एक तरफ दो आगे क्रॉसिंग ओवर वाले एक तरफ चले गए, यहाँ पे बन गए, ठीक है। उनके इर्द गिर्द क्या बन गए, दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बन गई है, स्पिंडल फाइबर्स अलग अलग हो गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी
ऐसे ही क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, दोबारा से वो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाएंगे और हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बने, और वो कितने बने हैं, चार बने हैं। सिंगल हमारे पास स्टार्टिंग में एक सेल था, पहले हमारे पास मियोसिस वन हुई, दो डॉटर सेल्स बने, फिर दो डॉटर सेल्स के आगे सारे फेजेस चले हैं और हमारे पास चार हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर्स भी हुई हुई है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि डॉटर सेल अब हमारे पास कितने हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि पेरेंट सेल में डिप्लॉइड थे 46 थे, लेकिन जो हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे उसके अंदर हैप्लॉइड होंगे, यानी कि उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। और इन सेल्स को हम लोग गैमीट्स कहेंगे, जिनको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो होते हैं जर्म लाइन सेल्स, जो कि जिन्होंने गैमीट्स की प्रोडक्शन करनी होती है, वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। ये असल में हमारे पास गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गया, जिनको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है हमारे पास अगर तो कोई फीमेल है तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर कोई मेल है तो उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है, बाकी सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, सिर्फ ये एक जो सेक्स ऑर्गन्स का जो सेट होता है वो इतना सा चेंज होता है कि हमारे जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से मेल्स और फीमेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो हमारे पास गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन बाकी जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड बनाते हैं, यानी कि माइटोसिस वो करते हैं, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है सोमेटिक सेल्स की। ठीक है, तो आज हमारा ये जो मियोसिस टू है ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा है कि सिमिलर होता है, ये माइटोसिस है, वही वाले फेजेस हैं सेम हर एक डिवीजन में। उसके बाद इसमें प्रोफेज में हमारे पास कम टाइम लगता है, क्या कुछ होता है ये अब आपको आइडिया है। मेटाफेज टू में हमारे पास दोबारा से इक्वेटर बन जाएगी, एनाफेज में हमारे पास सेंट्रोपेयर्स अलग अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अब हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स। फिर टेलोफेज टू में हमारे पास अनकॉइलिंग हो जाएगी, दोबारा से क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिन बना देंगे और न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाएगा, इमेज हो जाएगी, ये हमारे पास फोर डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये किस में होगा, ये हमारे पास होगा साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। ये डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास यहाँ पे दो डॉटर सेल्स ऑलरेडी मियोसिस वन में बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, और लास्ट में हमारे पास टेलोफेज होके फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ईच डॉटर सेल हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, आधे हमारे पास उनके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, होप सो आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो नीचे आप कमेंट्स में पूछें। इसके अलावा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का एक और लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पर जाएँ आप बाय कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।